लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में आयोजित 10वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान सतत और समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान पीठासीन अधिकारियों ने विधानसभाओं और विधान परिषद में हो रहे नवाचारों के अनुभव साझा किए। आपकी भूमिका इस विषय पर भी चर्चा की। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का मत था कि विधायिकाओं को अधिक से अधिक जनता के बीच में सक्रिय बनाया जाए और अधिकतम लोगों को सक्रिय लोकतंत्र प्रणाली में और विधानसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों को की भूमिका हो, ताकि सतत एवं समावेशी विकास का लाभ चर्चा और संवाद से समाज के अंतिम व्यक्ति को मिल सके और संविधान की भावनाओं के अनुरूप समान विकास और सबका विकास, अंतिम व्यक्ति का कल्याण, इस विषय पर 2 दिन सार्थक चर्चा हुई। सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और उनकी विधान सभा में, विधान परिषद में जो उन्होंने नए इनोवेशन किए उसके अनुभव भी साझा किए। उस अनुभव से एक विधानसभा दूसरी विधानसभा की अच्छी प्रक्रियाओं, परंपराओं और इनोवेशन का अनुभव लेती है। ये लोकतांत्रिक संस्थाएं और सशक्त मजबूत होती है। इसी के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर किस तरीके से विधायिका में सदस्यों को कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता निर्माण हो,